ये अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक, 3 दिवसीय होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। तो राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी इस बैठक में होंगे शामिल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, इस बैठक से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास, कौन कौन शामिल होने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए बैठक काफी अहम होगी क्योंकि भगवान रामलला की जनवरी 2024 में होगी, 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले ट्रस्ट लगातार तैयारियों में लगा हुआ, आज की बैठक काफी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के बैठक की जाएगी। भगवान रामलला की जो अचल मूर्ति है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी और एलएनटी के इंजीनियर, कार्यदायी संस्था के जो इंजीनियर, वो शामिल रहेंगे। देर रात तिपेन मिश्रा अयोध्या पहुंचे थे। ये बैठक मणि रामदास छोटी छावनी में हो रही है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास जी, उनके आश्रम में हो रही है, जिसको लेकर के अयोध्या में जो भगवान राम मंदिर को लेकर के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की ये बैठक की जाएगी क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी क्या क्या तैयारियां की गई है। भगवान रामलला के जो भक्त आएंगे उनके ठहरने की क्या व्यवस्था, उनके रहने की क्या व्यवस्था, उनके भोजन की क्या व्यवस्था, जिसको लेकर के मंथन किया जाएगा। क्यों कहा जाए, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही ये बैठक काफी अहम है क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन भगवान रामलला की जो अचल मूर्ति है वो पुस्ता कार्य कितना पूरा हो गया, वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको लेकर के मंथन किया जाना है। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम भव्य होगा और इसी को लेकर तैयारी होगी और इसी तैयारी से जुड़ी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।